हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेडविन्स के बारे में, उनके सोसाइटी के बारे में, और कैसे ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग उनके बीच में छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ होती है उनके बारे में। बीच में इंटरनेट कनेक्शन का डिस्क्रिप्शन हो गया था, इस वजह से लास्ट वीडियो बहुत छोटा ही बन पाया था। तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो इनके जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरली इनकी जो एनिमिटी होती है, राइवलरीज होती हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत छोटे छोटे इश्यूज से शुरू होती हैं। जनरली किसी ने कोई इनका घोड़ा या इनका ऊंट जो है वो चुरा लिया है, ठीक है, तो उससे शुरू होकर के जनरली वो बड़ी हो जाती है या फिर बहुत छोटे ही रहते हैं। तो छोटे बड़े दोनों टाइप के इनके जो युद्ध हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। कभी कभी ये वेल प्लान्ड भी होते हैं, ठीक है, एक सुनियोजित तरीके से भी इनके अंदर युद्ध जो है, लड़ाइयां हमें देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साथ में ही एक जस्ट शीयर सेटिस्फैक्शन के लिए, सिर्फ अपने आत्मसंतुष्टि के लिए भी कई बारी ये लोग वेल प्लान्ड अटैक्स करते हैं कोई भी जो उनके जो राइवलरीज हैं, ठीक है, वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके ऊपर अटैक करते हैं टू शो देयर पावरफुलनेस, ठीक है, कि वो कितने शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, ये दिखाने के लिए भी, और उनकी कितनी सुपीरियोरिटी है, ठीक है। और साथ ही साथ जब बात आती है पास्चर्स की, चरागाहों की, जहाँ पे उनको अपने कैमल्स को चराना है, तो एक तरीके से उनके अंदर एक होड़ होती है, एक कंपटीशन होता है कि सबसे अच्छा बेस्ट वाला जो चरागाह है उसके ऊपर ही सब अपने कैमल्स को फीड करना चाहते हैं, चराना चाहते हैं। तो उसके लिए भी इनकी जो लड़ाइयां हैं कि कौन किसका आधिपत्य होगा, कौन वहां पे अपने टेंट्स डालेगा और अपने जो कैमल्स हैं उनको वहां पे चराएगा, तो इस सबसे संबंधित जो है मुख्यतः है इनकी लड़ाइयां हमें देखने के लिए मिलते हैं। कई सारे इनके जो है माइनर रेड्स भी होते हैं, छोटी छोटी लड़ाइयां भी होती हैं। तो माइनर रेड्स बाय हैंडफुल ऑफ एडवेंचर्स मे बी मेड बाय कैमल और इवन ऑन फुट ड्यूरिंग द मूनलेस नाइट्स। जनरली जो माइनर रेड्स होते हैं, छोटे छोटे जो जैसे चोरियां वगैरह की जाती हैं या आक्रमण अटैक्स किए जाते हैं, तो ये मूनलेस नाइट्स को प्रेफर किए जाते हैं, यानी कि जब चंद्रमा नहीं होता है, अमावस्या की जब रात होती है, तो वैसे में क्या होगा, अंधेरा होगा एकदम, ठीक है, क्योंकि वहां पे लाइट का इसका स्रोत तो है नहीं, तब किए जाते हैं। और या तो वो अपने कैमल्स पे जाते हैं, ऊंटों के ऊपर जाकर के दूसरे टेरिटरी में जाकर के कुछ ना कुछ करके आते हैं, या फिर इवन पैदल जाकर के भी वो ऐसे अटैक्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। जनरली कोई भी अगर लार्ज एक्सपीडिशंस होंगे तो ये वेल प्लान तरीके से होंगे, और जिसका मेजर एम जो होता है वो अपने कैंप का स्ट्रेंथ दिखाने के लिए होता है, और ये तभी किया जाता है जब उनके चरागाहों को लेकर के लड़ाई हो, पर्टिकुलरली पास्चर्स को लेकर के युद्ध हो कि कौन सा पास्चर जो है उसके ऊपर किसका आधिपत्य होगा और कौन वहां पे अपने कैमल्स को चराएगा, ठीक है, तो उसके लिए जनरली होता है। तो और ये जरूरी भी है इन ऑर्डर टू शो द रेपुटेशन ऑफ स्किल एंड ब्रेवरी, अपना ब्रेवरी जो है वो दिखाने के लिए कि कौन कितने बलशाली हैं, ठीक है, कितने शक्तिशाली हैं, तो वो दिखाने के लिए ही मुख्यतः इनकी लड़ाइयां जो है हमें देखने के लिए मिलती है। वेयर रेड एंड द काउंटर रेड आर ऑलवेज लाइकली एंड द ट्री पासर कैन बी अटैक्ड ऑन साइट ट्रेवल सेव इन लार्ज पार्टीज वुड अपियर टू बी डेंजरस इन द एक्सट्रीम बट अ नंबर ऑफ कस्टम्स एंड प्रैक्टिस एक्सेप्टेड बाई ऑल द ट्राइब्स अफोर्ड सम प्रोटेक्शन टू द इंडिविजुअल एंड सीवियर टू मेक ट्रेवल अक्रॉस अ नंबर ऑफ ट्राइबल टेरिटरीज पॉसिबल। जनरली क्या होता है कि रेड और काउंटर रेड्स कॉमन है, ठीक है, यानी कि किसी ने दूसरे के ऊपर आक्रमण किया तो उसके बदले में उन्होंने भी वापस आक्रमण किया, और जब ये ट्रैवल कर रहे हैं जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं तब बहुत ईजी है कि इनके ऊपर जो है आक्रमण किया जा सकता है। लेकिन ये कई सारे ऐसे कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, ऐसे रीति रिवाज हैं, ठीक है, जिसके वजह से मतलब इतना ज्यादा वो नहीं है कि बहुत ज्यादा इनके ऊपर अटैक्स होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इजीली डिफरेंट ट्राइबल जो टेरिटरीज हैं, अलग अलग प्रजातियों के जो क्षेत्र है उसमें से होकर के इनको जाना पड़ेगा ना,
अपने चरागाह को ढूंढते हुए जहां पे जा रहे हैं, तो वो जाना इनके लिए पॉसिबल होता है, एज इफ इतना डिफिकल्ट देखने के लिए नहीं मिलता। अ ट्रैवलर इज यूजुअली वेरी वेलकम, और जनरली कोई भी जो राहगीर है, ठीक है, जो जा रहा है, जैसे यानी कि किसी की टेरिटरी है, किसी का क्षेत्र है, वहां से कोई राहगीर जो है वो जा रहा है अपने जूतों को लेकर के, तो उसको वेलकम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारा ये क्षेत्र हम इसमें से आप नहीं जा सकते, दूसरे में से जाओ, ऐसा नहीं होता जनरली। इसलिए उसको रिले लेकर के जनरली प्रॉब्लम्स वहां पे देखने के लिए नहीं आती हैं। He affords an unexpected break in the monotony of many months of herding, and he brings news of events in the outside world to the members of small isolated camps. Moreover, the provision of protection and safe conduct of a traveler is felt to display of power, authority, and sign of assured control of territory occupied. साथ ही साथ क्या होता है कि किसी का जिसका उस क्षेत्र के ऊपर अधिपत्य है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टेरिटरी के ऊपर जो राज कर रहे हैं, जो रह रहे हैं वहाँ के जो आदिवासी हैं, तो कोई ट्रैवलर जो होगा, कोई जो वहां से जा रहा होगा, तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, उसको उसकी सुरक्षा की को सुनिश्चित किया जाता है। क्यों उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है? दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिस वजह से। पहली बात तो अगर उनके क्षेत्र में से कोई जा रहा है, उसको अगर सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई लूटपाट नहीं होती है, कोई दूसरा जो राइवलरी ग्रुप है वो उसके ऊपर अधिपत्य नहीं जमाता है, अटैक नहीं करता है, अगर उससे उसको बचा लिया जाता है, तो इससे उनके लिए ये बहुत शान की बात होती है, ठीक है, कि वो इतने अपनी टेरिटरी के इतने अच्छे एक तरीके के योद्धा हैं कि वहां से कोई जाए तो उसको वो सेव कर सकते हैं, उसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये जो ट्रैवलर्स होते हैं जो बाहर से आते हैं, वो बाहर के दूसरे आउटसाइड वर्ल्ड की न्यूज लेकर के आते हैं, वहाँ की अलग अलग बातें लेकर के आते हैं, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी भी उन लोगों को मिलती है, तो वो जानकारी भी वो लोग लेना चाहते हैं, उससे भी उनको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए भी जनरली जो भी ट्रैवलर्स आते हैं उसको कोई भी प्रजाति की जो टेरिटरी है उसको क्रॉस करने में एज अ प्रॉब्लम नहीं आती है। टू अटैक और प्लंडर अ मैन who has the countenance of one's kingsman or a chief is a serious as a murder. अगर chief जो है उसी group का जो सबसे बड़ा जो मुखिया है उसके यहाँ पे कोई अगर चोरी करता है उसके यहाँ पे, तो वो as a murder जितना serious माना जाता है, किसी का खून कर दिया, वो इतना ज्यादा उसको serious consider किया जाता है। The protector sometimes accompanies a traveler to the limits of the territory over which he offers the protection. To refuse this countenance is a disgrace. It destroys the reputation for courage, independence and generosity. Generally क्या होता है कि क्योंकि इनके एक शान की बात होती है कि इनके यहाँ पे कोई जो traveler है, कोई भी जो राहगीर है जो वहां से जा रहा है, ठीक है, वो सुरक्षित रूप से वहां से उनके क्षेत्रफल को क्रॉस कर जाए, वहां से जाए, ये उनके लिए एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट बात होती है, ठीक है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है ये। इसीलिए जनरली जब ये पास कर रहे हैं, रात को रुके हैं, तभी भी उनकी अच्छी सेवा पानी की जाती है, और साथ में वो जो टेरिटरी है, वो जो क्षेत्रफल की जो हद है, ठीक है, तो वहां तक उसको छोड़ने भी वो लोग जाते हैं, ठीक है, और अगर कोई मना कर दे, ट्रैवलर राहगीर कह दे कि नहीं मेरे को छोड़ने आप मत जाइए, तो वो उनके लिए बहुत ही एक तरीके से अपमान माना जाता है, ठीक है, तो इसलिए जनरली ऐसा नहीं किया जाता है। कोई भी जो ट्रैवलर है वो खुश होता है कि उसके साथ उसको अकम्पनी किया जा रहा है, उसके साथ उसको वो जो उनका क्षेत्रफल है, उसकी जो हद है, उसकी जो लिमिट है, वहां तक उनको छोड़ने जा रहे हैं। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट अ कैंप इज ऑफन द ओकेजन ऑफ ग्रेट कॉम्पिटिशन इन ऑफरिंग हॉस्पिटैलिटी for the host acquiring prestige in addition to the presence of his guest. The guest is welcome until the sunrise of the fourth day after his arrival, that is until the third daily meal has been eaten and digested. After that time he should not stay, but his stay is guaranteed for an equal period after he has left or up to the distance of about 100 miles.
जनरली कोई भी जो गेस्ट आता है उसकी अच्छी आवभगत करते हैं ये लोग, ठीक है। और उसके बीच में एक इनके अंदर कंपटीशन भी हो जाता है कि कौन अच्छी मेहमान नवाजी करेगा, अच्छी हॉस्पिटैलिटी कौन देता है, ठीक है। और जनरली कोई भी जो ट्रैवलर है वो उसकी ना उसको बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रखते हैं लोग, शुरू के 3 दिन तक उसकी अच्छी खातिरदारी करते हैं, ठीक है। उतने दिन तक ही वो रुकते हैं, 3 दिन से ज्यादा जनरली नहीं रुकते हैं, 4th दिन वहां से वो चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक मेजर जो है इनके अंदर ध्यान रखा जाता है। और ये तो अभी तक हमने बात करी कि जनरली ये लोग जो है पेस्टोरलिज्म जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मेडिक पेस्टोरलिज्म जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि अपने पशुओं की चराई के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे जो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक विकास होने के साथ साथ, डेवलपमेंट होने के साथ साथ, फॉर द सेक ऑफ एश्योरिटी के लिए एग्रीकल्चर भी इन्होंने डेवलप कर लिया है। कृषि का भी जो विकास है इस प्रजाति के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। तो किस तरीके का है एग्रीकल्चर इनका, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। दो, द एग्रीकल्चर इज रिगार्डेड विद कंटेम्प्ट एंड अवर्जन बाय द बाडविंस एंड इज रिस्टोर्ड टू फॉर अ लाइवलीहुड ओनली व्हेन दे लूज देयर हर्ड्स बाय अ पेस्ट और फाइंड देयर पास्चर लैंड सीरियसली कट इन। नेवरदलेस नोमैडिज्म यील्ड such as precarious or a monotonous subsistence that is not infrequently combined with the primitive agriculture. Generally इनके agriculture की खेती की बात करें तो बहुत सीमित है, बहुत कम करते हैं, और तभी करते हैं जब जो pasture lands हैं, चरागाह के क्षेत्र है, वो समझ लो कि हैं नहीं, बहुत कम हो गए हैं, या इनके जो herd है, जो पशुओं को पालते हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो वैसे में जनरली खेती जो है, कृषि इन लोगों के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है, हमें देखने के लिए मिलता है। मेजर ये लोग क्या क्या उगाते हैं उसके अंदर अगर हम बात करें तो दे ग्रो द डेट पाम्स, ठीक है, खजूर की खेती करते हैं। इसके अलावा बार्ले, जौ, मेज, मकई पाउडर पशुओं की चराई के लिए जो उगाया जाता है। इसके अलावा मेलन्स यानी कि आपके तरबूज, बीन्स आपके फलियां, वेजिटेबल्स, साग भाजी, जो भी ऑयसिस, ये जनरली कहाँ पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे पानी उपलब्ध होगा। और पानी कहाँ पे उपलब्ध होता है, जो ऑयसिस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे मुख्यतः सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध होने के वजह से, सोर्स ऑफ इरिगेशन अवेलेबल होने के वजह से, इसके अलावा इनके एग्रीकल्चर के अलावा हम देखें तो जो ओएसिस रीजन होता है, जहाँ पे भी पानी का स्रोत उपलब्ध होता है, वहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो है ये प्रीडोमिनेंट है, ठीक है। संघन खेती मुख्यतः हमें देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा गार्डन्स, ऑर्किड्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि बागवानी जो है वो भी इन क्षेत्रों के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। जनरली हम बात करें इनके रिसोर्सेज की इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, तो सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं, तो ज्यादातर कम से कम जमीन पे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाए, इसके ऊपर मुख्यतः इन लोगों के द्वारा काम किया जाता है। यहाँ पे ये इन लोगों के जो खेत, ये लोग सॉरी इनके जो गांव होते हैं, ये हमेशा देखें तो ऑलवेज दे बिल्ड ऑन अ स्लोप, ठीक है, हमेशा एक ढणा वाला जो क्षेत्र होता है वहां पे इसका निर्माण करते हैं, क्योंकि नीचे वाला जो क्षेत्र होगा, ढणाफ में जो नीचे वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलती है, कांपनी मिट्टी का विस्तार ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि पानी जो आएगा, बारिश का पानी, वो नीचे आकर के मिट्टी का निक्षेपण कर देगा, तो इस वजह से कांपनी मिट्टी मिलती है, जो कि खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे खेती की जाती है, और ऊपर आपके हाउस साइड्स होती है, घर जो है ये ऊपर की तरफ आपके बनाए जाते हैं। इनका कैरेक्टर कैसा है, तो जनरली हम बात करें तो बेडविंस जो है दे हैव अ टिपिकल कैरेक्टर। ऑक्यूपेशनली दे आर हर्ड्समैन, क्रोनोलॉजिकली दे आर फाइटर्स एंड पॉलिटिकल कॉन्क्यूरर्स। एक बहुत ही मिला जुला इनका जो चरित्र है वो हमें देखने के लिए मिलता है। ये हर्ड्समैन होते हैं, ठीक है, यानी कि पशुओं को एक जगह से दूसरे जगह पे ले करके जाने का काम करते हैं। क्रोनोलॉजिकली हम देखें तो ये फाइटर्स भी होते हैं, ये योद्धा भी होते हैं, इनके अंदर हमने देखा लड़ाइयाँ जो है बहुत ज्यादा होती है। पॉलिटिकल कॉन्क्यूरर्स भी होते हैं, यानी कि एक क्षेत्र के ऊपर अधिपत्य करना जो है, ये भी एक इनकी मुख्य इनकी कैरेक्टर के अंदर, चरित्र के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ अब्राहम लॉट एंड
इस्माइल इनके डिसेंडेंट्स इनको माना गया है. द नेसेसिटी ऑफ गार्डिंग द पास्टर्स विच आर ओनली इंटरमीडिएटली ऑक्यूपाइड इन्वॉल्व अ प्रसिस्टेंट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. और क्योंकि चरागाहों को के ऊपर अटैक्स जो होते हैं, कोई हमला जो कर देता है, ये बहुत आम सी बात होती है. इसीलिए चरागाहों की प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा के लिए एक तरीके से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके निर्माण की जाती है. यानी कि पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कुछ लोगों को और लड़ने की तकनीकें जो है सिखाई जाती हैं, और उनका काम होता है जो उनके चरागाह क्षेत्र है उनको प्रोटेक्शन करना, ठीक है, उसकी सुरक्षा करना. उसके ऊपर कोई दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा कोई जो जुत्था है वो आकर के उसके ऊपर हमला ना कर दे, अटैक ना कर दे. ये मेजर इनका देखने के लिए मिलता है. द नेशन इज अ क्विसेंट आर्मी, द आर्मी इज मोबिलाइज्ड. ये आर्मी भी इनके साथ मोबिलाइज करती है एक जगह से दूसरी जगह पे. इट कैरीज विथ इट द फ्लॉक एंड द हर्ड्स. ये आपको पता है, अपने साथ जो अपने परिवार को साथ ही साथ जो भी इनके पशु उनको साथ में एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जाते हैं, उसी के साथ इनकी मिलिट्री भी जो है वो भी जाती है. द कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस इन राइडिंग, स्काउटिंग एंड द यूज ऑफ आर्म्स, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट बाय द सेंचुरीज ऑफ एक्सर्शन एंड द हार्डशिप मेक्स एवरी नॉर्मेड अ सोल्जर. जनरली हर जुत्थे के अंदर, ग्रुप के अंदर हर जो व्यक्ति है उसको राइडिंग करना, यानी कि आपके घुड़सवारी या फिर आपके ऊंट जो है ऊंट की सवारी करना, साथ ही साथ वेपन्स जो हैं जो भी हथियार हैं उनको चलाने का कार्य ये सिखाया जाता है. इसलिए एक तरीके से देखा जाए तो हर एक व्यक्ति जो है वो सोल्जर होता है इनके ग्रुप का, हर एक व्यक्ति जो है सिपाही होता है. उसके अंदर एक मिलिट्री का कैरेक्टर, मिलिट्री का गुण हमें देखने के लिए मिलता है. कैवलरी एंड द कैमल क्रॉप्स एड टू द स्विफ्टनेस एंड द विगर ऑफ देयर ऑनस्लॉट, मेक देयर मिलिट्री स्ट्रैटेजी दैट ऑफ सडन अटैक एंड आफ्टर रिट्रीट टू बी मेट ओनली बाय द वारीनेस एंड एक्सट्रीम मोबिलिटी. इन द ओपिनियन ऑफ हेरोडोटस, द नोमैड्स होल एग्जिस्टेंस ब्रीड्स करेज, द इंडिपेंडेंट हैजार्डस लाइफ ऑफ द डेजर्ट मेक्स द बार्डविन द ब्रेवेस्ट mankind, but settled Arab of the Egypt and the Spain lost most of this fighting qualities. तो इस extreme ऐसे एक मुश्किल आबोहवा की स्थिति के अंदर रहने की वजह से, जहाँ पे दूषकांड बहुत जो सामान्य स्थिति है, जहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा होते हैं उन्हाड़े के अंदर, और आपके शाड़े के अंदर तापमान काफी कम हो जाते हैं समर्स के अंदर. Scorching heat temperatures are very high, whereas during the winters temperature are very low. So they have to face extreme climatic conditions. When they are living in such an extreme climatic conditions, due to that they are very courageous, or we can say the courage breeds in them. ठीक है, पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर courage जो है, ठीक है, bravery जो है वो देखने के लिए मिलती है. ठीक है, शक्तिशाली ये लोग देखने के लिए मिलते हैं. तो इन लोगों को सबसे ब्रेवेस्ट इन द मैनकाइंड माना गया है, सबसे ज्यादा जो बलशाली हैं या शक्तिशाली जो हैं वो रण प्रदेश के अंदर रहने वाले लोगों के में से बेडविन को कंसिडर किया जाता है. हालांकि इजिप्ट के जो अरब्स हैं या फिर स्पेन के जो रहने वाले लोग हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ये भी रण प्रदेश से आते हैं. इनके अंदर धीरे धीरे ये जो फाइटिंग क्वालिटीज है वो ये माना जा रहा है कि डिमनेश हो रही है, यानी कि फाइटिंग क्वालिटीज जो धीरे धीरे कम होती हुई हमें देखने के लिए मिल रही है. द डेली लाइफ ऑफ बेडविंस इज अ लर्निंग स्कूल ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. इन द इवनिंग द फ्लॉक एंड द हर्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद द सिस्टम अराउंड द कैंप टू प्रिवेंट कन्फ्यूजन. जनरली जब ये शाम को अपने पशुओं को लेकर के आते हैं तो प्रॉपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करके, प्रॉपर मैनेजमेंट करके उनको वो रखा जाता है, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई समस्या जो है देखने के लिए ना मिले. द डिफिकल्ट आर्ट ऑफ द वेल ऑर्डर्ड मार्च ऑफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द कैंप एंड फॉर एजिंग इज प्रैक्टिस ऑलमोस्ट डेली इन देयर कॉन्स्टेंट माइग्रेशन. और कैसे टेंट को पिच किया जाता है, कैसे कहीं पे कैंप लगाया जाता है, कैसे वापस उठाया जाता है, तो ये क्योंकि ये लोग ये गतिविधि, ये एक्टिविटी करते रहते हैं ड्यूरिंग द माइग्रेशन प्रोसेस, तो हर किसी को ऑलमोस्ट ये एक्टिविटी आती है और या फिर ये कार्य आता है. द यूजुअल ऑर्डर ऑफ द बेडविंस मार्च कुड स्कार्सली बी सरपास्ड बाय एन आर्मी इन एडवांस. द कारवंस मूव अ बॉडी ऑफ
armed horsemen 5 or 7 kilometers ahead, then follow the main body of the Khalifa mounted on the horses, camel, then the female camel, and after this the beast of the burden of women and children, the encampment of the tents with the places of men, arms and herds is also carefully regulated. जनरली इनका कॉमन फीचर देखिए किस तरीके से इनका कारवा जो है वो मूव करता है जब ये माइग्रेट करते हैं. तो हमें देखने के लिए मिलता है कि सबसे आगे जो एक हॉर्समैन होता है घोड़े के ऊपर होता है जो कि 5 से 7 किलोमीटर आगे चलता है पीछे वाले जुत्ते से. क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से डायरेक्शन देख रहा है या देख रहा है कि आगे कोई खतरा तो नहीं है. उसके बाद जो है इनके खलीफा के अंदर और जो दूसरे घोड़े या ऊँट है हमें देखने के लिए मिलते हैं. उसके बाद फीमेल ऊँट मादा जो ऊंट है वो हमें देखने के लिए मिलती है. उसके बाद जो बोझ उठाने वाले जो ऊंट है ठीक है जिसमें औरतें होंगी बच्चे होंगे वो हमें देखने के लिए मिलते हैं. उसके बाद ऐसे ऊंट होते हैं जो कि कैंप्स और डिफरेंट जो टेंट्स हैं ठीक है उनको उठा करके लेके जाने का काम कर रहे हैं. तो ये एक प्रॉपर तरीके से इनका मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलता है जब ये एक पास्चरलैंड से दूसरे पास्चरलैंड की तरफ माइग्रेट करते हैं. The spirit of independence among the nomads. इन nomads की अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर एक spirit of independence होता है. यानी कि इनके अंदर अगर हम देखें तो कैसे ये अपने आप में आत्मनिर्भरता का जो गुण है वो भी इनके अंदर देखने के लिए मिलता है. The nature made necessity of scattering in the small groups to seek pasture induces in the nomad a spirit of independence. ठीक है, ये जो independence का है यानी कि आत्मनिर्भरता का जो गुण है इनके अंदर देखने के लिए मिलता है. जब दुष्कांड की स्थिति हो या चरागाह एक हर जगह पे बहुत छोटे छोटे मिलते हैं तब ये इनके ग्रुप ना बहुत इजीली और ज्यादा स्कैटर हो जाता है यानी कि डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर. कई बार तो सिर्फ एक परिवार जितना एक ग्रुप होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होते हैं. तो ये एक तरीके से एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एक सॉर्ट ऑफ आत्मनिर्भरता जो है वो उनको देता है. बेडविन इज पर्सनली फ्री द पावर ऑफ शेख इज ओनली नॉमिनल एंड डिपेंड्स मच अपॉन हिज पर्सनल क्वालिटीज. जनरली आपको बताया था कि ग्रुप के अंदर जो सबसे बड़ा जो मुखिया होता है ठीक है जो शेख होता है जो इनका चीफ होता है तो उसका वो हाँ कहते हैं उनका सब मुखिया है लेकिन उसका नॉमिनल से कहते हैं और उसका बिहेवियर होता है. यानी कि वो बहुत ज्यादा एकदम ऐसे नहीं है कि सबको कंट्रोल करके रखता है कि वो जो बोलेगा वैसे ही करेंगे. ऑलमोस्ट हर बर्डविन जो व्यक्ति होता है वो फ्री होता है ठीक है टू चूज टू डिसाइड वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू ठीक है कि कहाँ पे जाना चाहते हैं आप कौन से चरागाह क्षेत्रों में. तो वो एक फ्रीडम सॉर्ट ऑफ फ्रीडम हमें देखने के लिए मिलती है. The political organization is conspicuously lacking among the Bardwins who say they are the people without head. Generally, एक political राजनीतिक रूप से संगठन देखे तो बहुत इतना नहीं देखने के लिए मिलता है. इसलिए इन लोगों को ये भी बोला जाता है we are the people without head. हम ऐसे लोग हैं जिनका कोई head नहीं है कोई मुखिया नहीं है. The title of Sheikh is an empty one. Sheikh जो होता है ठीक है उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है. ये सिर्फ एक टाइटल है सिर्फ एकमात्र एक नाम है. कस्टम्स एंड द यूसेजेस आर देयर रूलर्स. नेचर एवरीवेयर पोस्टपोन्स ऑब्स्टेक्ट्स जियो पैराडाइजेस एंड द पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ एरिड लैंड्स. ठीक है, मुख्य जो इनको कंट्रोल करता है वो नेचर है प्रकृति है. ठीक है, क्योंकि कभी दुष्कांड आना कभी अच्छी बरसात होने से अच्छा चरागाह मिलना अच्छे पानी के स्रोत मिलना और कभी जो है ये सब नहीं भी मिलते हैं. ठीक है, फिर इनके अंदर ट्रेडिंग का हम देखें कि किस तरीके से व्यापार की कैसी प्रवृत्ति हमें देखने के लिए मिलती है. तो द प्रिवेलिंग पॉवर्टी मोनोटोनी एंड द अनरिलायबिलिटी ऑफ सब्सिस्टेंस इन द डिजर्ट एज वेल एज लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नेसेसिटेट्स द ट्रेड विद द बॉर्डरिंग एग्रीकल्चर लैंड्स. क्योंकि ये लोग के अंदर गरीबी हमें देखने के लिए मिलती है. फिर मोनोटोनी है यानी कि मुख्यतः सिर्फ क्या कर रहे हैं ऊँटों को पाल रहे हैं. ठीक है, और साथ ही साथ ये रह रहे हैं डेजर्ट के अंदर जो अनरिलायबल है जहाँ पे इनको अनाज मिल सकेगा ऐसी चांसेस कम होते हैं. फिर लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उद्योगों का भी इस क्षेत्र के अंदर विकास नहीं हुआ है. इस वजह से ये अपने नजदीकी जो सीमा वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग खेती करते हैं उनके साथ इनका ट्रेडिंग जो है इनका व्यापार की प्रवृत्ति हमें देखने के लिए मिलती है.
जनरली लोग क्या खरीदते हैं इन लोगों से, दे बाय फ्लोर, बार्ले, कॉफी एंड क्लोदिंग. ठीक है, ज्यादातर ये लोग या तो आटा खरीदते हैं या जौ खरीदते हैं या कॉफी या फिर वस्त्र वगैरह जो है वो खरीदे जाते हैं. जिसके लिए लार्जली कैसे पे करते हैं इसको, बाय पेइंग देम विद द बटर. जो ऊंटों का दूध है उससे जो बटर निकाला जाता है उससे, फिर मेल क्लॉट्स के द्वारा, और साथ ही साथ कई बार अपने ऊंट वगैरह भी बेच देते हैं, शीप्स वगैरह भी बेच देते हैं. बेचने के लिए खास करके कुवैत की जो सिटी है, ठीक है, या फिर आपके पर्शियन गल्फ जो रीजन है वहां पे भी ये लोग बार्टर सिस्टम करते हैं. वहां पे लोग बार्टर करके जनरली क्या खरीदते हैं, कपड़े, क्लोदिंग या फिर डेट्स या फिर आपके फायर आर्म्स हैं, यानी कि बंदूकें वगैरह खरीदते हैं या फिर आपके खजूर हैं, ये मुख्यतः है खरीदा जाता है. ये लोग अपने घेटा भी बेच देते हैं, उसका मीट वगैरह है और बकरियां वगैरह बेचने का काम भी करते हैं. बर्बन्स लैंड एज एन एरिया ऑफ अरेस्टेड डेवलपमेंट. इस एरिया के अंदर अगर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, विकास किस तरीके का हमें देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी जो है वो काफी ज्यादा कॉमन फीचर है. पानी की उपलब्धता जो है वो काफी कम होने के वजह से यहाँ पे इनका अगर हम विकास देखें तो इतना ज्यादा नहीं हुआ. आर्थिक रूप से विकास अभी इन लोगों का देखने के लिए नहीं मिलता है. तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे एंड होता है. तो हमने गर्म प्रदेश की दो प्रजातियों के बारे में डिस्कस कर लिया है. पहला हमने बात किया था बुशमैन के बारे में जो कि कालाहारी रण में रहते हैं. दूसरा हमने बात करी बेडविन के बारे में जो कि अरेबिया के रण के हैं. तो ये दोनों हमारा यहाँ पे एंड होता है. तो ऑलमोस्ट यूनिट 3 का 50% हमने कर लिया है. आगे हम डिस्कस करेंगे प्लेट्यू रीजन के, ठीक है, और अगला हम बात करेंगे पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले प्रजातियों के बारे में, दो प्लेट्यू की और दो आपके पहाड़ी क्षेत्रों की. तो थैंक यू स्टूडेंट्स, यहीं पे इसको एंड करते हैं हम. ठीक है, थैंक यू.